السلام علیکم. آج ہم واس کوڈ کا کٹن بتانے جا رہے ہیں. میں نے یہ دو پلہ کپڑا کو بیٹھا لیا, بیچے بیچ کر لیا. یہ دو پلہ ہے. ہم سب سے پہلے نیچے ایک سیدھا مارک لگا لیں گے. نیچے مارجن 1.5 انچی دیں گے. اس کے بعد ایک سیدھا مارک یہاں پہ لگائیں گے. वास्कोट का लेंथ है 26.5. ये देखिए 26.5 लेंथ है. 26.5 पे एक मार्क लगाएंगे, 1 इंच ऊपर ज़्यादा रखेंगे. उसके बाद है ना 8 इंच पे मार्क लगाएंगे. उसके बाद 17 इंच पे मार्क लगाएंगे. उसके बाद हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे 1 इंच का. ये जो मार्क लगाया है मार्क से 1 इंच रहेगा. फिर यहाँ पे भी 1 इंच रहेगा, यहाँ पे 1/2 इंच रहेगा. अब इस ये मार्क को मिला लेते हैं और फिर सीधा सीधा मार्क ले लेते हैं. सेम कोटी की तरह कटिंग होती है ये सदरी का बैग. अभी यहाँ से सीधा मार्क लेंगे. उसके बाद हल्का शेप रहेगा यहाँ पे. फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा रहेगा. सिलाई इसी पे होगी. 3 इंच गले का मार्जिन देंगे. शोल्डर है 16 इंच. तो हम यहाँ पे 16 इंच देंगे, यहाँ थोड़ा मार्जिन दे देंगे पल्टी के लिए. चेस्ट है 34 इंच. देखिए 34 का चौथा हिस्सा आ रहा है 8.5 इंच. तो हम इसको इसमें 1/4 इंच कम करेंगे चेस्ट को. बेस्ट है 31 इंच. 31 का चौथा हिस्सा 1/8 है, इसमें भी 1/4 इंच कम करेंगे. 7 इंच आ रहा है. हिप है 35, 35 इंच. 35 का 9.5 आ रहा है, इसमें यहाँ पे 8 इंच रखेंगे. हम एक सीधा मार्क ले लेंगे यहाँ से. हम 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक सीधा मार्क. अब इसको गोलाई कर देंगे. यहाँ पे ज़्यादा गोलाई नहीं रहेगी, हल्का गोलाई रहेगी. अब इसको इतना मार्जिन देकर हम इसको कट कर लें. लेंथ नाप लेंगे. देखिए 26.5 आ रही है. अब इसको फोल्ड करके रख देंगे. अब हम फ्रंट को कट करेंगे.
अभी इसका लेंथ देख लेंगे कि हमारा लेंथ 26.5 इंची आ रही है। 26.5 इंची लेंथ आ जाएगी हमारा, तो थोड़ा बढ़ के रखेंगे यहाँ पे, थोड़ा पॉइंट निकाल देंगे जो मार्जिन में जाएगी। अब यहाँ से एक मार्क लगाएंगे, यहाँ से ऊपर से हल्का डाउन करेंगे, थोड़ा डाउन रहेगा ये, स्ट्रेट रहेगा ये, ब्रेस वाला नहीं है सदरी, स्ट्रेट कॉलर का रहेगा, कुर्ता चाइनीज कॉलर का रहेगा सदरी। और हम सबसे पहले शोल्डर का मार्क लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे 1 इंच नीचे गिराएंगे इसको, नीचे एक मार्क लगा लेंगे। शोल्डर है 16 इंच, थोड़ा मार्जिन दे देंगे पलटी के लिए। चेस्ट है 34 इंच, 34 का मार्क लगा लिए, और 2 इंची इसमें लूजिंग डालेंगे, 2 इंची लूजिंग डालेंगे तो 4 इंची आएगा, तैयारी आएगा 3 इंची लूजिंग, यानी फुल फिटिंग होगा। वेस्ट है 31 इंच, वेस्ट है 31 इंच, तो 31 का चौथा हिस्सा आ रहा है 7.5, इसमें भी 2 इंच लूजिंग रखेंगे। और 35 हिप है, 35 हिप है तो हम 7.9, इसका चौथा हिस्सा 2 इंची लूजिंग रखेंगे। और यहाँ पे जो बटन लगती है तो आधा इंची बटन मिल जाती है, तो हम इसमें आधा इंची बढ़ाएंगे। ये टोटल हमारा 1.5 इंच हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे क्रॉस। अब यहाँ पे हम शेप देंगे, अब हम हल्का शेप देंगे यहाँ पे, क्रॉस रहेगी थोड़ा। ये मार्क हमको, मैं आपको चेस्ट का मार्क लगाने का बताता हूँ। चेस्ट है 34 इंच, 34 इंच रहेगा तो ये 8.5 इंच, इसमें हम 7.5 इंच का अंदर ले लेंगे। ये देख लीजिए चेस्ट का हिस्सा ना, चौथा हिस्सा 8.5 आता है, 7.5 इंच अंदर लेंगे इसको हल्का। ये हल्का सेब है, इधर सेब के इधर से हम इसको मार्क लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको गोलाई करेंगे। अब यहाँ से 3 इंच कॉलर के लिए मार्क लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम यहाँ थोड़ा उठाएंगे, ऊपर एक दाब उठाएंगे, अब हम इसको कट कर लेंगे, इतना मार्जिन छोड़ेंगे इसको। कभी भी अगर टाइट हो गया तो इसको ढीला कर सकते हैं। और यहाँ पे चाक पट्टी रहेगी साइड में, 1.5 इंच देंगे, 3 इंच भी दे सकते हैं लेकिन हम 1.5 इंच देंगे। ये चाक पट्टी रहेगी, अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब हम नीचे से 8 इंच लगाएंगे पैकेट के लिए मार्क, और यहाँ से हम ये पूरा तैयारी आएगी 2.5-3 इंच, लेकिन हम यहाँ से 3 इंच का मार्क लगाएंगे।
और 5 इंची पैकेट का मार्क लगाएंगे। ऊपर से 7 इंच पे हम मार्क लगाएंगे वॉलेट पैकेट के लिए, 4 इंच हमारा वॉलेट पैकेट रहेगा। इसको हल्का क्रॉस मारेंगे। ये देखिए, ये हमारा बॉन्ड पैकेट हो गया, ये वॉलेट पैकेट हो गया। बटन का मार्क बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि कॉलर लगने के बाद ही बटन का मार्क लगाएंगे। कोट में पहले लगाया जाता है, ये कॉलर के हिसाब से छांटना कम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल है कमेंट करके हमें बताइए।